तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इतने सारे पेड़ हैं, पेड़ में ऑक्सीजन की कोई यहाँ पे पहाड़ों में कोई भी कमी नहीं है। थोड़ी भी आके आपकी सांस फूलती है तो आपको काफ़ी ऑक्सीजन यहाँ पे मिल जाएगी, जो शहरों में आजकल बिक रही है इधर पहाड़ों में मिलती है फ्री में, क्योंकि यहाँ के लोगों ने पेड़ काटे नहीं हैं और बहुत सारे पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं, तो ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। तो कल शाम यहाँ पर हुई थी बारिश, बहुत तेज़ बारिश हुई थी और बारिश होने की वजह से मौसम है काफ़ी ठंडा, रात में ओले भी काफ़ी गिरे हुए थे और बहुत भयंकर तूफान चला था। तो हमने सुबह तक पहनी थी जैकेट ताकि ठंडा ना गया। फिलहाल हम लोग हैं आइसोलेशन में अपने गांव में और निहारिका को पता नहीं कैसा फील हो रहा है, कुछ ये बोल ही नहीं रही है क्योंकि जब से गांव आई है तो उसने बोलचाल बंद करके रखा हुआ है। कैसा लग रहा तुम्हें यहाँ पे बताओ? बढ़िया बढ़िया लग रहा है। तुम्हारे वहाँ से अच्छा है मौसम यहाँ का? हाँ, ऐसे नहीं, मम्मी पापा लोग की याद भी आ रही होगी ना बीच बीच में, तो जब मम्मी पापा लोग की याद आती है तो शायद ये थोड़ी उदास भी आती है, लेकिन बाकी जब क्लाइमेट और पहाड़ देखती है चारों ओर तो खुश आती है। तो अभी तक इसका जो टास्क था परसों खाना बनाया था, तो मम्मी पापा लोग को काफ़ी अच्छा लगा था, इसको इनाम भी बहुत मिले हैं उसके लिए, खाना बनाने के लिए अच्छा पनीर बनाया था। कल आलू की सब्ज़ी भी काफ़ी अच्छी बनाई थी तो उसके लिए भी इसको इनाम मिला हुआ है। तो आज निहारिका जा रही है खेत में काम करने के लिए, क्योंकि अभी खेत में कुछ बोया नहीं था तो मम्मी लोग सोच रहे हैं कि भिंडी भिंडी बोएंगे, तो निहारिका को देखते हैं खेत में काम करना आता है या नहीं आता है। तो मिलते हैं निहारिका के साथ खेत में। चलोगी खेत में? आते तुम कुछ काम करना आता है? क्या आता है? क्या आता है? जो किया जाता है। चलो ठीक है, आज देखते हैं इसे कितना काम आता है, मिलते हैं चलो खेत पे। मम्मी वहाँ चले गई है, अब निहारिका को लेके मैं चल। तो कल मैंने वाला हिस्सा खोल रखा था पूरा शाम के टाइम पे, दिखाओ तो कैमरे पे क्या। हाँ क्या? तो कल मैंने पूरा उतना हिस्सा खोला था और अभी इतना और बता क्योंकि साइड पर मम्मी ने लेवल पे किया हुआ है, तो मैंने कल इतना हिस्सा खोला था तो आज मैं इतना हिस्सा और खोलने बचा हुआ। हाँ हाँ, बहुत शादी हो रही है पूरे गांव में, चारों ओर शादी शादी हो रही है। तो फिलहाल पूरा खेत मैंने खोद चुका हूँ ये, और ये निहारिका वहाँ खड़े होकर देखने में लगी है खेत में काम करने के बाद की पता चला। मम्मी सिखाएगी निहारिका को कैसे करते हैं काम कुटले से। निहारिका भी अब खेत में आ चुकी है सारी आधी पहन के, तो अब निहारिका करेगी खेत में काम। कर पाओगी नहीं कर पाओगी तुम काम बताओ? क्या पता नहीं, देख के पता चलेगा। देख के पता चलेगा, ऊपर ही ऊपर करना है, नीचे हल्दी है ना, हल्दी निकल जाती है। हाँ चलो पकड़ो कुटला हाथ में अपने और स्टार्ट करो काम। हल्दी का पेड़ तो मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा है। हल्दी का पेड़ 3 साल में आता है। 3 साल में? हाँ तो कहाँ, हमारे यहाँ तो आ जाता है, कल ले आ नहीं जाते, 3 साल में आता है। ये तो गए ये पेड़ ही तो है, ये बारिश नहीं हुई, लेकिन ये देख ये है ना। अरे हम लोगों के यहाँ तो बहुत जल्दी उग जाता है, हमारे यहाँ 3 साल में काटते हैं। यहाँ पानी होगा फिर? यहाँ पानी थोड़ी हुआ, जब सड़क से आया तभी हुआ। पहाड़ में पानी और जवानी होती तो पहाड़ का नक्शा बदल जाता, नहीं बोला था कल वो आदमी, तो वही है। बैठो ऐसे ही बैठना, ठीक है? ये क्यों है कि राम मंदिर का नाम मंदिर निकल रहा है? ये मेरी बहू थोड़ा अंदाज कर रही है मेरे को आता है या नहीं आता है करके, अब मैं इसको दे रही हूँ। कैसे करें? क्या आता है मुझे ऐसा नहीं, आता है तो पूरा ही खेत करो, क्या सास को लगा तुम्हें काम में, वैसे आता है वैसे कर ठीक हो रहा है, धड़ल्ले से कर जिसका आता है, तो नहीं आता है तो नहीं। आई काम करना स्टार्ट कर दिया, अब इसके बाद बहुत सारा खेत बचा हुआ है। अब इसमें सब्जी बोएंगे, बो रखी है हमने, अभी इसमें सब्जी कौन कौन सी बो रहे हो आप? इसमें भी चुगल फेंक दे रहे हो ऐसे साइड में, चुगल और लाई, चूहा उगल और लाई और भिंडी भी ना, भिंडी के पेड़ इतना सब मम्मी इसमें लगाने वाली है, और शिमला मिर्च के पेड़ भी लगेंगे, और पतली मिर्च लगाएंगे, पतली वाली मिर्चा भी लगाओगे इतने छोटे खेत में सब कुछ हो जाएगा? इसमें तो पूरा हो जाता है निशा, हम यहाँ हल्दी होगी, हल्दी के पहले सब्जी होगी, चूहा होगा, ठीक है।
न्यायिका शर्मा रही है कैमरे के सामने काम करने में और आधी हल्दी इसने बाहर निकाल दी खोदते खोदते। तो सुबह की मेहनत से उन्होंने पूरा खेत किया सही। अब मम्मी सिखा रही है निहारिका को पेड़ लगाना, फलना नहीं चाहिए ना। निहारिका लगा रही है शिमला मिर्च के पेड़। मम्मी ने आज उसको खेती बाड़ी में कर दिया निपुण। बाल्टी की पानी भी लेके आ रखी है, दो बाल्टी की पानी नहीं, पानी की दो बाल्टी लेके आ रखी है। मैं गलत बोला था, उल्टा बोला था। पहले इन्हें पानी डाला, ऐसे खो बनाए छोटे छोटे, उसमें पानी डाला में और साथ में डाल रहे हैं वो लोग मिर्च, शिमला मिर्च के पेड़। पानी डालने में टेढ़ा नहीं होना चाहिए पेड़ को। तो टोटल 45 पेड़ लगे हैं। या किसी ने गांव में हमारे पेड़ उगाए हुए थे तो उनसे हमने मांगे हुए थे, तो मम्मी पापा के बीच में लखनऊ में थे तो उन्होंने कुछ ऐसा रखा नहीं था बीज। तो ये रहा पूरा आप खेत, उधर वो ये भिंडी, इधर सारी है हल्दी, और यहाँ पे क्या बोया है मम्मी? इधर पे यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर है चूहा और उगल, इतना बोया हुआ है। अब देखते हैं दो तीन महीने बाद यहाँ पे क्या होगा। अभी मैंने शाम को देखो जैकेट पहन ली है, मॉर्निंग के टाइम में टी शर्ट पहन के घूम रहा था क्योंकि सुबह थोड़ा गर्म था, लेकिन शाम के टाइम पे यहाँ पे मौसम एकदम से चेंज हो रहा है, बादल आ रहे हैं, बारिश हो रही है और मौसम काफ़ी है अच्छा। तो हम गुजार रहे हैं कुछ दिन, बेहतरीन दिन, उत्तराखंड के प्यार से गाँव द्वाराहाट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, देखते हैं अगली बार निहार के आगे क्या टास्क होगा। तब तक स्टे ट्यून्ड इन आदि ब्लॉग्स।